नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल को। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यार पबजी मोबाइल में बेस्ट टू फिंगर कंट्रोल्स के बारे में। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कंट्रोल्स हमारे गेम में यार काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस्ट टू फिंगर कंट्रोल्स के बारे में। तो दोस्तों यार वीडियो शुरू करने से पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है, जाइए उस लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे। तो दोस्तों जो आप में से कई लोग जो है यार वो क्लॉस से चलाते होंगे गेम को यार, पर आज हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट टू फिंगर कंट्रोल्स के बारे में। तो दोस्तों कंट्रोल्स को कस्टमाइज आपने कर लेना सेटिंग्स में जाके, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। तो दोस्तों बेसिक आपका ऐसा लगेगा कंट्रोल जो मतलब कंपनी वालों की तरफ से आता है वो आपका कंट्रोल ऐसे होंगे। तो दोस्तों आपको करना है क्या, जो टीम मेट्स का आपका वो होता है कंट्रोल उसे आपको नीचे ले आना है टीम मेट्स वाले को, और मैप का जो आपका होता है ओपन करने वाला तो उसे आपको यार ले आना है टॉप लेफ्ट में। तो दोस्तों टीम मेट्स वाले को बिल्कुल उसके साथ लगा देना आपके ने, ठीक है। तो एक बारी वो साथ लग गया उसके बाद आपको क्या करना है, जो माइक और सेटिंग्स वाले हैं उसे टॉप राइट में ले आना है। तो दोस्तों एक बारी वो टॉप राइट में लग गए तो आई और जो रन का ऑप्शन है उसे आपको नीचे ले आना है थोड़ा ड्रैग करने के लिए, हम बाद में इसे सेट कर लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपको जो गन का आइकन है पहली वाली उसे माइक के साथ थोड़ा सा लगा देना, मतलब पूरा भी माइक के साथ नहीं लगाना, उससे थोड़ा नीचे लगाना ताकि हम गन जो पिस्टल वाला आइकन है उसे भी आराम से फिट कर पाएं। तो दोस्तों हमें थोड़ा आगे लगाना है माइक के, हमने ये लगा देते हैं, पहला हमारा लग चुका है, ठीक है। अब हम दूसरा लगा लेते हैं दोस्तों, तो दूसरा भी आपको पिक करना है और वैसे ही लगा देना, केयरफुली लगाइएगा यार ताकि थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए। आपको यार ये सेंटर में एरोस की दिख रही होंगी, आप उससे इसे एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। तो यार आप उधर से भी इसे आराम से एडजस्ट करके जब आपको सूटेबल लगे वहां जाके आप स्टॉप कर देना इसे। तो देखिए मुझे अभी सही लग रहा है, तो अब हम पिस्टल की तरफ जाते हैं। तो पिस्टल वाले आइकन को उठाइए और उसे यार ले आइए अपनी गन वाले आइकन के साथ रख दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो अभी सेट लग रहा है, थोड़ा सा हम इधर रख देते हैं इसे। तो अब दोस्तों आपका जो मेन काम बचा है वो है बटन्स को बड़े करने का। तो दोस्तों आपको पता होगा पबजी मोबाइल की तरफ से बटन काफ़ी छोटे आते हैं, तो बटन साइज़ आप कर लीजिए बड़ा अपने हिसाब से, अपनी कंप्यूटर अपनी मतलब मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से। तो हमें यार अभी ये सही लग रहा है तो हम तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे यार इतना सही लग रहा है शूट का बटन, और बाकी जो आई और रन का बटन आप उसे थोड़ा ऊपर ले जाइए क्योंकि हम उसे नीचे ले आए थे। दोस्तों अब क्या बचा यार, हमारे जो मतलब स्कोपिन बटन, क्राउच बटन और लीन वगैरह के जो बटन बचे हम उन्हें भी बड़ा करेंगे। तो दोस्तों मैसेज का बटन तो मुझे ठीक लग रहा है, हम इधर ही क्विक चैट का बटन रहने देंगे, ठीक है। और नीचे जाइए आप, अब जो स्कोपिन का बटन है उसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक है। मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और उसे एडजस्ट कर लीजिए अपनी स्क्रीन के हिसाब से। क्राउच का बटन भी थोड़ा बड़ा करके नीचे ले आइए, और दोस्तों लीन का जो है बटन मतलब प्रोन होने का बटन जो है उसे आप थोड़ा ऊपर ले आइए और ऊपर करके बड़ा कर दीजिए। दोस्तों क्राउच का बटन भी आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, मतलब सब जो बटन है उसे थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि आपको आसानी हो उन्हें दबाने में, क्योंकि कभी कभी आप दबाते हैं और वो बटन दबता नहीं है। रीलोडिंग का तो यार मेन बटन है, इसे भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो दोस्तों अब ये बड़ा हो चुका, अब हम आ जाते हैं यार अपने मतलब मुझे ये थोड़ा यार बड़ा करना चाहिए शूटिंग का बटन, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि यार अगर आप ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो आप कभी कभी आपका यार जो हाथ है वो गलती से लग जाएगा तब भी शूट हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यार अब क्या करना है, आपका जो लेफ्ट में है आपका शूटिंग बटन, वैसे तो क्लॉज वाला इसे यूज़ करते हैं पर आप इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब जॉयस्टिक को भी दोस्तों थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो मूवमेंट है वो आसान बन जाए। तो दोस्तों जो जॉयस्टिक है उसे आप थोड़ा लेफ्ट में ला के थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। अभी ये थोड़ा सही लग रहा है, मतलब देखिए बड़ा सा बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों अगर यार अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि यार दोस्तों आप आराम से बाद में कर पाए इसे कस्टमाइज, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अभी ये हमारे फाइनल स्टेप्स ही हैं। तो दोस्तों ये स्प्रिंट करने का जो बटन है आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब अपने फिंगर के हिसाब से, मतलब आप अपनी फिंगर कितनी घुमाते हैं उसके हिसाब से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा पिकअप करने का ऑप्शन है और लूट करने का ऑप्शन है क्रेट्स का, वो थोड़ा नीचे ले आइए और इकट्ठे रखिए उन दोनों को ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो लूट करते वक्त और पिकअप करते वक्त। तो यार अब मुझे ये थोड़ा सही लग रहे हैं दोनों, तो अब हम यार इसे सेव कर लेते हैं और एग्जिट मार देते हैं। तो दोस्तों मैंने एग्जिट मार दिया यार, अब ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रेनिंग मोड में और आपको मैं दिखा देता हूँ ये कंट्रोल्स कैसे लगते हैं मैच के अंदर। तो दोस्तों हम ट्रेनिंग मोड में चलते हैं, अभी मैचिंग हो रही है, ठीक है, तो यार अभी मैचिंग होने देते हैं हम इसे। तो लोडिंग हो रही है दोस्तों, तो अब यार दोस्तों आप देखेंगे यार कि काफ़ी क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है, जितने भी हमने कंट्रोल सेट किया है काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं वो सारे कंट्रोल्स। तो दोस्तों अभी ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग खत्म होने देखिए दोस्तों आपको ट्रेनिंग मोड में कितना आसान दिख रहा है। तो इससे फ़ायदे क्या होंगे दोस्तों, आपको पहले गन के जो ऑप्शन थे आपके नीचे होते थे, तो अब नीचे वाला जो आए वो सारा एरिया आपको क्लियर दिखेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आप आराम से किसी एनिमी को स्पॉट कर सकते हैं और आराम से अगर वो स्नेक बना हुआ है उसे ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों
आज की वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कंट्रोल्स हेल्प किए तो यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।